अस्सलाम वालेकुम। हर कोई इतने बड़े बड़े दावे कर रहा है YouTube पे और बहुत सारे चैनल्स पे। बेसिकली मैंने उन दावों को भी कोशिश की कि चेक करूं वेदर वाकई कोई अच्छी चीज है, और अच्छी चीज मैं देखती भी रहती हूं, और भी मैं आगे बहुत सारे प्रोग्राम दूंगी जो अपने ऊपर आजमाए हुए या अपने क्लोज बाय को आजमाए हुए। मैं हमेशा आजमाती जरूर हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो बोली जाती है उसका रिजल्ट वो नहीं होता। अब ये वो ऑर्डिनरी सुरमा भी आप यूज कर सकते हैं जो हम आंखों में डालते हैं। अब सुरमे में भी कैटेगरीज होती है कि एक तेज सुरमा होता है, एक नॉर्मल होता है, एक माइल्ड होता है। अब वो सुरमे को किस तरह बनाते हैं, तो हम स्ट्रॉन्ग सुरमा लेते हैं, एकदम स्ट्रॉन्ग सुरमा। जब ये सुरमा जब हम सर पे लगाते हैं तो वो उसके एक्टिवेशन, अभी मैं बताऊंगी कि वो एक्टिवेशन किस तरह होती है। हम सऊदी अरेबिया से सुरमा लेते हैं जहाँ काले ऊँट पैदा होते हैं, उसकी गाड़ों में जाके वो पत्थर के ऊपर बेबी पैदा करने से पहले अपनी पीठ को रगड़ते हैं ताकि उसके अंदर से जो मवाद निकलता है उसके अंदर कोई छोटे छोटे प्लांट्स बन जाते हैं, और वो सुरमे के पत्थर होते हैं। जब हमारे पास वो पत्थर आते हैं ऐसे बड़े बड़े डलों में होते हैं, कभी इतने बड़े होते हैं, और अक्सर मुझे खुद को भी जाना पड़ता है अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो तो, लेकिन मोस्टली हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। तो हम उसको पहले वो सारे प्लांट्स उतार के उसको ड्राई करते हैं और सुरमा को स्पेशल तरीके से पिसवाते हैं। इसकी भी बहुत हमारे पास स्पेशल मशीनें हैं, क्योंकि ये रिजल्ट देना है और ये आंखों में डालने का सुरमा है, लेकिन हम उसको अभी उस पोजीशन पे नहीं ले आए कि आंखों पे ले जाए, और आंखों पे मैं वैसे भी कम काम कर रही हूँ। एक बर्तन लेंगे और ये हमारा सऊदीया का केमिकल फ्री, इधर ऊंट पैदा होते हैं, ये वो सुरमा है। देखिए ये मैंने डाला है थोड़ा सा, ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने डाला, और इसके अंदर ये जो एप्पल साइडर विनीगर है उसके अंदर बहुत सारा हमने प्याज के छिलके, जितने भी घर में बचते थे कांच की बर्नियों में, ये एप्पल साइडर विनीगर हमने बड़ी बड़ी बर्नियों में रखा था। और ये एप्पल साइडर विनीगर आपको वैसे तो ये मटकों में बनता है, लेकिन आपको मैं घर के अंदर बनाना सिखा दूँ। ये कांच के बर्तन में बहुत सारे एप्पल्स डाल दें ग्रीन वाले, और उसका बीज ना डालिएगा, वो जहर का काम करता है, ठीक है। तो वो आप उसको पूरे एप्पल काट के अंदर के बीज निकाल के उसके अंदर डाल दें, फिर इसके अंदर बहुत सारे जितने भी घर के जभी भी प्याज यूज़ होती है वो प्याज डालें, और अगर रेड प्याज है तो बहुत ज़्यादा काम करता है। फिर इसके बाद काफ़ी सारे मैंने गरम मसाले डाले हैं इसमें, मैंने बारीक बारीक चॉप करके अदरक और लहसुन भी डाला है, लौंग भी डाले हुए, और ये हमारे पास सालों साल पड़े रहते हैं। फिर जैसे ज़रा मुझे लगता है कि स्मेल ही हो रहा है तो मैं छान के फिर उसी को नई चीज़ें डालना शुरू कर देते हैं। यानी हमारा तो कारोबार है तो हम रन करते हैं, लेकिन आप घर में ये सब कर सकते हो। तो अभी इसमें देखिए गरम मसाले के साथ रखा हुआ, इतना छोटा छोटा सा पत्ता था, तेज पत्ता है जो बहुत कड़वा होता है जो हम गरम मसाले में यूज़ करते हैं, और इसमें जायफल डाली हुई है, क्या कि उसकी स्मेल जो है ना जो आती है अदरक लहसुन की और प्याज की, उसको हम कम कर दें। अब आप देखिए कि मैंने सुरमा लिया, और ये सऊदीया का सुरमा है, उसमें ऊँट की वजह से जो हर्ब्स उगते हैं वो भी इसमें ड्राई करके पीसे गए, और थोड़ी कलौंजी भी डाली गई है, और ये तीन प्रोसेस भी करेंगे, लेकिन आप ऑर्डिनरी सुरमे से ही काम ले सकते हैं। अब जो आप सर इसको देखेंगे कि ये किस तरह उबलता है, ये ज़रा सा देखेंगे आप, ठीक है, देखेंगे अभी देखेंगे, थोड़ा सा उबलेगा, हल्का सा उबलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं उबलेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा डाइल्यूट किया हुआ है, ठीक है। अब देखिएगा ये बबल्स, हल्के से बबल शुरू हो गए, बबल इसके देखें, ये बबल शुरू हो गए हैं, अच्छा ये थोड़ा सा पतला कंसिस्टेंसी है। हम थोड़ा सा इसमें और सुरमा डालेंगे, क्योंकि मैंने विनेगर ज़्यादा डाल दिया, और ये अभी इस तरीके से गाढ़ा पेस्ट बनेगा, और ये छोटे छोटे से बबल शुरू हो गए हैं, जैसे वो डाइल्यूटर्स के तरीके से होते हैं। अभी देखेंगे, और अब हम इसके लिए अच्छी कंटेंसी, एक या दो मिनट इसको रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे, रोज़ का रोज़ ताज़ा ताज़ा बनाना है। ये अभी भी थोड़ा सा पतला है, मैं इसमें और डालूँगी, क्योंकि बहुत कम ही विनीगर जाता है, बहुत ज़्यादा विनीगर नहीं डालना इसमें, और मेरे से थोड़ा सा ज़्यादा गिर गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसको डब्बी में भर के कल के लिए भी रख देंगे, एक दिन या दो दिन चलेगा। अब हमने ये क्या करना है, मैं आप लोगों को गाइड करती हूँ। ये देखिए पूरा हल्की हल्की बबल है इसके अंदर नेचुरली है,
अब ये हमने उठाया अपने फिंगर्स में, और ये देखिए मैं आपको अपने बाल का एक हिस्सा बताती, मेरे बाल तो बहुत घने हैं माशाल्लाह, लेकिन जिनकी गंजपन आता है उधर इसको रात को लगा के सोना है, इस तरीके से ऐसे अंदर स्किन के अंदर आपको पेनिट्रेट करना है। इसी तरीके से आई प्रीफर सम अगेन टू गो, क्योंकि मेरे लिए रोज़ रात को कौन आएगा, और ये पूरा एक्टिवेशन आपको रोज़ रात को लगाना है। अच्छा, इससे बाल थोड़े ड्राई हो जाएंगे, इसीलिए वो शैम्पू उसी हिसाब से हमने बनाए हुए हैं, और ये आपने यूज़ करना है डेली रूटीन पे। तकियों पर प्लास्टिक का कवर लगा दीजिएगा ताकि तकिया ना खाए बाल खाए, सुबह तक ये आपके स्कल्प के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है, और जिस जगह बाल नहीं आ रहे आपके उस जगह ये काम करता है। और अभी मैंने आपको ऐसे छोड़ा नहीं है, कराची वालों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि जब आपके बाल कहीं कोई एक पैच नहीं आता है, जो 100 में से 2 जाने को ये मसला आता है, यूजली तो 98% काम कर जाता है, 2% ऐसे होते हैं जिनके ऊपर थोड़ा सा कोई कोई जगह फॉलिकल निकल नहीं रहे होते, उसका पैच नहीं बन रहा होता है, तो उसके उस जगह पे हम क्या करते हैं कि एक्यूपंचर कर देते हैं। वो भी एक प्रोग्राम में मैं ले आऊँगी एक्यूपंचर किस तरह किया जाता है, और आप लोग वो कर सकते हैं क्योंकि शुगर की पिन से है और उसका इतना बड़ा नुकसान ही होता है। हम वेट पे काम नहीं करते, ब्लड सीरम निकालता है, हम गन निकालते हैं, उस जगह की जो भी वेन्स होती है उसको अनएक्टिवेशन से एक्टिवेशन में डाल देते हैं। रही बात लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट तरीके से जाएंगे, मैं आपको नेक्स्ट प्रोग्राम में बताती हूँ कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज क्या है, लेकिन ENT